गाइस आप सभी को बता दें कि स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। अब तो आज से एग्जाम 80 दिन रह गया है, ठीक है। तो एम्स, बीएससी, नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स को पढ़ा जाए और मॉक टेस्ट में कैसे अच्छे नंबर लाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें अच्छे नंबर नहीं ला रहे हैं, तो कैसे अच्छे नंबर लाएं आज की स्टडी में यही बताने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया जल्दी से जाकर ज्वाइन करिए, सर्च किए टेलीग्राम पर जाकर नर्सिंग पॉइंट, हमारा चैनल मिल जाएगा, जुड़ जाइए। मोर देन 700 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप हमारे मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, 800 रुपये में मॉक टेस्ट है और बेसिकली टोटल 10 पेपर आपको मिलेंगे, बहुत ही जबरदस्त, जिसमें 4 फुल 4 क्वार्टर और 2 हाफ सिलेबस टेस्ट के मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस बायोलॉजी के लिए अगर हम बात करें तो बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है स्ट्रेटजी के साथ। इसके अलावा आपको पियर्सन की बुक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, डॉक्टर राजीव विजय की बुक है, ये 2 पार्ट में आती है बेसिकली और ये नीट के लिए बुक है। लेकिन इसमें क्या है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसमें लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के। इसके अलावा कंसाइज थ्योरी है जो कि 60 नोट्स के तौर पर वर्क कर सकता है। जैसे अगर आपका कल मॉक टेस्ट है एम्स, बीएससी, नर्सिंग का या नीट का, एलएन वगैरह का आप टेस्ट ज्वाइन किए हैं तो आप इस बुक से थ्योरी पढ़ सकते हैं, काफी अच्छा वर्क करेगा आपके एग्जाम वाले दिन, ठीक है। इसको करना क्या है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और 3 घंटा पढ़ना है, 1.5 घंटे जूलॉजी, 1.5 घंटे बॉटनी के लिए, ठीक है। 38 चैप्टर आपको पढ़ना है टोटल और हर चैप्टर को कम से कम 2 से 3 लीजिए, जो जैसे जेनेटिक्स हो गया और मॉलिक्यूलर हो गया, सब बहुत बड़े चैप्टर है ना, इसके लिए 2-2 4-4 दिन कम से कम 4-4 दिन आप देंगे, ठीक है। बाकी जो छोटे छोटे चैप्टर है उसके लिए 1-1-2 दिन। इसके अलावा सारे चैप्टर जितने भी पढ़े हैं आप उसको वीक में 1 बार रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है। जो 1 वीक में चैप्टर पढ़े उसको एक दिन संडे को पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, संडे वाला दिन इसी के लिए बुक कीजिए। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें गाइस तो केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक के लिए पढ़ना ही है। इसके अलावा मैं एक और बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, अरिहंत की मास्टर एनसीईआरटी, ये 2 पार्ट में आती है, ये बेसिकली नीट के लिए भी है। इसमें क्या है कि एनसीईआरटी से एमसीक्यू है, लाइन बाय लाइन से एमसीक्यू बनाया गया है और एम्स में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पहले एम्स एमबीबीएस के लिए होता था या बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए, सबके लिए एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं गाइस। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, फालतू की बुक नहीं पढ़ना, ये बुक आपके लिए अच्छी होगी, ठीक है। इसके अलावा गाइस आपको केमिस्ट्री को 3 घंटे देना ही है प्रॉपर एक दिन में। इसके अलावा आपको 50 दिन यानी 80 में से 50 दिन कम से कम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को पढ़ना है, क्योंकि फिजिकल बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको रट्टा मार लीजिए कम से कम 3 से 4 बार। आप नीट में भी अच्छा करोगे, एम्स, बीएससी, नर्सिंग में भी अच्छा करोगे। और फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल के लिए आपको एक सिंगल सीट पेपर पर बहुत सारे, जैसे जितने भी फिजिकल के चैप्टर हैं सबके एक एक पेपर पर बना लीजिए फार्मूला चार्ट, उसको डेली रिवाइज करिए, तो आप पक्का है कि आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। इसके मैं बात करें गाइस फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा टारगेट पब्लिकेशन की बुक है, बेसिकली महाराष्ट्र सेट के लिए बना है ये बुक, नीट में भी काम आ सकता है आपके लिए और एम्स, बीएससी, नर्सिंग के लिए भी काम आ सकता है। इसमें क्या है, शॉर्ट थ्योरी दी गई है, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू है और एनसीईआरटी से एमसीक्यू है गाइस। तो आप अगर इसे एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, 7000 एमसीक्यू है गाइस, तो आप समझ रहे हो अगर आप एक बार लगा लेते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फिजिक्स में आप कमांड कर लोगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है ना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपको करना क्या है, 3 घंटे फिजिक्स में देना है और जो आपका कमजोर चैप्टर है उसको छोड़ दीजिए। जैसे बहुत सारे लोगों का काइनेमेटिक्स कमजोर होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कमजोर होता है, तो आपको पढ़ना क्या है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना याद करना चैप्टर है, मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ना, सॉरी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। इसके लिए वहाँ 11th में 1-2 चैप्टर जैसे केटीजी हो गया उसको पढ़ना है आपको, ठीक है। तो जो आपको कमजोर लगे उसी को पढ़ना है, ठीक है। और आपको बता दें कि लेकिन आपको चैप्टर की ओवरऑल मतलब एक झलक जिसको कहते हैं देखना, सारे चैप्टर को देखना है, क्योंकि अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं करना है। आपको सारे फार्मूले के 60 नोट्स बनाने हैं एक एक पन्ने पर और उसको अपने पास रखिए, रोज रिवाइज कीजिए, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कम से कम गलत नहीं होंगे। इसके अलावा आपको हर चैप्टर को 2-2 दिन देना है, हाँ जो थोड़े आपके मजबूत चैप्टर उसको ज्यादा दिन देना है ताकि उसमें से क्वेश्चन गलत ना हो सके। थैंक यू।